गाइस वेलकम टू टेक विद कर दी यूट्यूब चैनल। सो गाइस स्नीक पीक आ चुकी है इस गोलम की एंड सुपर सेल ने मतलब कंफर्म कर दिया है इस गोलम के बारे में। एंड मैंने भी पहले बता रखा है इस गोलम के एंड गेम प्ले वगैरह दिखा रखा है, बट उसका जो मैंने पहले गेम प्ले दिखाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब उसमें जो इस गोलम डिस्ट्रॉय होता है सो फ्रीज उस वाले में नहीं कर रहा था आसपास को, बट इस वाले में फ्रीज वगैरह कर रहा है। मैं आपको इस गेम प्ले आगे दिखा दूंगा एंड आपने कहीं और भी शायद देख रखा होगा। सो मैं आपको वैसे गेम प्ले दिखा दूंगा ऑल ट्रूप्स के साथ, जिससे कि आप पता लगा लो कि कैसे वर्क कर रहा है ऑल ट्रूप के अगेंस्ट में। एंड गाइस अगर आप वॉर सीसी में यूज़ करने का सोच रहे हो तो उसका भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे वर्क करेगा। सो आज के लिए वीडियो को लाइक एम रखेंगे 20 लाइक्स के लिए इसको जरूर से कंप्लीट करवा देना। अगर गाइस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए यार वाली वीडियो को शुरू करते हैं एक बार। तो गाइस गेम प्ले दिखाने से पहले आपको कुछ इस गोलम की डिटेल्स दिखा देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेना एक बार कि कैसा है इसका। गाइस आप देख सकते हो डैमेज पर सेकंड है 36, फ्रीज टाइम डिफेंड डिस्ट्रॉय 6.25 सेकंड। जब मतलब ये टूटेगा तो आसपास की बिल्डिंग जितने भी होंगे उनको फ्रीज कर देगा 6 सेकंड के लिए, 6.25 सेकंड के लिए। एंड इसकी 8 पॉइंट्स है गाइस 3200 मतलब 3200 के। एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है 200C डार्क एलेक्सर एंड ट्रेनिंग टाइम 3 मिनट जो कि ठीक है। एंड फेवरेट टारगेट डिफेंसिस है गाइस की डिफेंसिस पे जो अपने सिंपल गोलम डिफेंसिस पे जाता है सो ये भी वहीं जाएगा। डैमेज टाइप सिंगल एंड ग्राउंड एंड हाउसिंग स्पेस गाइस ये 15 का ले रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मूवमेंट स्पीड 12 है जो कि वो भी ठीक ठाक है। सो गाइस गेम प्ले देख लेते हैं। सो गाइस यार यहाँ पर ट्रूप सेंड कर लेते हैं पहले अटैक करने के लिए। सो यार यहाँ पर कर लेते हैं ग्राउंड ट्रूप्स ही करेंगे क्योंकि एयर की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर ग्राउंड ट्रूप्स ट्रेन कर लिए हैं एंड अटैक पर चलते हैं। एंड गई सीसी के अंदर आइस गोलम पड़ा हुआ है सो यहाँ पर आइस गोलम को निकालते हैं बारबेरियन से एंड देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आइस गोलम यार मार रहा है अच्छी तरीके से। ये गई आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आइस गोलम टूटता है तो मतलब आसपास की जितनी भी चीज़ होती है उनको जमा देता है, फ्रीज कर देता है कुछ टाइम के लिए सबका लेवल के हिसाब से अलग अलग। मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यार सबको पेल रहा है बटावट, ये विजार्ड को भी, ये देखो सबको पेल रहा है सबको। नकली नकली से ट्रूप्स हैं तो छोटे छोटे एंड अब देखते हैं इसकी टक्कर का कौन आता है। तो यहाँ पर विजार्ड को भी वही कर दिया काम तमाम एंड यह माइनर आ चुका है। यहाँ देखते हैं माइनर का भी काम तमाम हो चुका है। यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ लग रहा है माइनर ले जाएगा इसको। देखो चल चल के मार रहा है गोलम भी, मतलब आइस गोलम उछल उछल के मार रहा है जैसे वो मतलब सुपरमैन वेंच मारता है उस टाइप में देख सकते हो। ये देखो तो यहाँ पर तो मार दिया है माइनर को भी एंड अब देख लेते हैं कौन सा ट्रूप्स आएगा। यहाँ पर तो गया आई थिंक ये, हाँ गया एंड अब देखते हैं गाइस कौन सा आता है। आई थिंक गॉब्लिन आ पाएगा। हाँ चलो गॉब्लिन आ गया, गॉब्लिन तो भाई अपना अलग ही भाग गया, अलग ही भाई वो तो लुटे रहा है। एंड यहाँ पर जाइंट आ चुका है, इसको देखते हैं भाई जाइंट के पीछे पड़ेगा गोलम यहाँ पर। एंड जाइंट जाइंट जा रहा है जा रहा है, ये तो यार अपने डिफेंस पे चले जाएगा सो इस गोलम भाई इसको मार देगा। पीछे पड़ गया भाई, यहाँ गया भाई इस गोलम नहीं इस गोलम सॉरी जाइंट गया यहाँ पर। एंड अब देखते हैं गाइस कौन सा ट्रूप्स डिप्लॉय होता है। अब आई थिंक इस गोलम चले जाएगा, इसकी पावर थोड़ी कम है बट हॉक तो भी चले जाएगा क्योंकि डिफेंस पे गया हॉक। इसकी टक्कर कोई ट्रूप आ जाए गोलम वगैरह आए जब मजा भी आएगा देखने में। तो यहाँ पर टाइम खत्म हो गया एंड दोबारा गाइस ट्रेन करते हैं ट्रूप्स एंड डेक पे चलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्क्री आ गई भाई जो कि इसकी टक्कर ये बोल सकते हैं बट अब देखते हैं क्या होगा। आई थिंक बराबर की टक्कर हो रही है अभी, थोड़ी सी वॉल्क्री की कम पावर है इसके मुकाबले भाई। खत्म ये भी खत्म वॉल्क्री, यहाँ देखना पड़ेगा यार यहाँ तो बिल्कुल ही दोनों की कम कम है। ओ शेट ये देखो यार ले गई वॉल्क्री 1 सेकंड से, 1 हिट की जरूरत थी और खत्म थी बिना वॉल्क्री। कर दिया इस गोलम का काम तमाम और फ्रीज भी हो चुकी है वॉल्क्री। एंड गाइस फिर से सरेंडर करना पड़ेगा मतलब एंड बैटल करना पड़ेगा एंड
ट्रूप्स ट्रेन है या देखना पड़ेगा। चलो है ट्रेन, चलते हैं दोबारा अटैक पे। इस बार इस विच छोड़िए, देखते हैं विच क्या कर पाएगी। यहाँ पर स्केलेटन अलग ही भाग गए हैं एंड विच मार रही है भी। तो यहाँ पर अपना इस गोलम उछल उछल के मार रहे हैं सुपर एंड बंच अपना। तो यहाँ पर खत्म, ये देखो यार ले गए इसे स्केलेटन। पर भाई स्केलेटन तो खतरनाक निकले, आइस गोलम को मार दिया। एंड गाइस कौन सा ट्रूप बचा है तो यहाँ देखते हैं। बॉलर आएगा, बॉलर को तो भाई मार ही देगा जहाँ तक देखने में लगता है। यहाँ देखो एक एक हिट मार रहा है तो मतलब स्लो हो जा रहा है बॉलर। मतलब आप ट्रूप्स किसी पे भी मारेगा ना जब से तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसे बॉलर्स को कैसे स्लो स्लो कर रखा है थोड़ा। एंड मार भी दिया है। एंड यहाँ इस गोलम वर्सेस आइस गोलम, ये देखो भाई कितना चौड़ा होकर चलता है। ये तो आइस गोलम देख रहे हो उसका स्टाइल चलने का, फुल चौड़ा होकर चलता है। ये देखो एक दूसरे के पीछे पड़ गए। यहाँ पर तो वैसे डिफेंस टारगेट कर लेंगे इसे। यहाँ पर तो मरना ही मरना है इसको यहाँ पर, बिकॉज तो अपना अलग गोलम मार रहा है एंड डिफेंसिस भी मार रहे हैं। तो यहाँ पर ले गया है, तो यहाँ पर अपना वाला भी जम चुका है। एंड यहाँ अब गोलम वर्सेस इस गोलम में मज़ा आएगा, बट नहीं आ पाएगा क्योंकि यार अपना सिंपल गोलम है, ये डिफेंसिस पे निकल जाएगा। आपस में काश लड़ाई हो पाती तो मज़ा आ जाता। एरिन को लड़ाना बहुत मुश्किल है आपस में, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनको आपस में लड़ाना, क्योंकि भाई गोलम तो डिफेंसिस पे भाग जाएगा और बिना डिफेंसिस के बेस बना नहीं सकते हम। तो यहाँ पर ड्रैगन भी छोड़ रखा है और मिनियन और बेबी ड्रैगन, इन्होंने तो काम कर दिया यहाँ पर। एंड यहाँ फ्रीज हो चुके हैं। सो यहाँ तो ख़त्म हो गया अपना इस गोलम। सो यहाँ पर दोबारा चलते हैं अटैक के ऊपर। अब देखते हैं क्या क्या बचा है। सो अभी सीसी के अंदर है अपना इस गोलम एंड इस बार हीरोज से ट्राई करेंगे। सो यहाँ ग्रैंड वार्डन यूज कर लिया है पहले एंड देखते हैं ग्रैंड वार्डन को ये मारता है या मरता है। एक हिट दो हिट तीन, देखते हैं जीत जाएगा आई थिंक। ये वाला बैटल भी इस गोलम जीत जाएगा। बट यार हेल्थ तो दोनों की आपस में बराबर बराबर कम हो रही है, थोड़ा सा स्लो हो गया ध्यान से देखो तो। अगर अपना ग्रैंड वार्डन पर गया भाई इस गोलम, यहाँ गया इस गोलम। ये देखो इसके हिट पॉइंट्स यार थोड़े कम है, हिट पॉइंट्स काश थोड़े ज़्यादा होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि यार बाद में फ्रीज भी कर देता है। इतने में डिफेंसिस मार देंगे उस ट्रूप्स को अगर हम सीसी में यूज़ करते हैं आइस गोलम को। तो यहाँ पर इस बार देखते हैं क्या यूज़ कर रहे हैं। तो बारवेन किंग यूज़ करेंगे इस बार बारवेन किंग तो यार मार ही देगा ईजिली जहाँ तक लगता है मेरे को। एंड क्वीन भी डाल दी साइड से, अच्छी तरीके से गोलम को मार देंगे अब ये लोग। यहाँ दो ये फ्रीज हो गए एंड क्वीन अपनी अलग ही दुनिया में निकल गई। सो यार यहाँ पर आपने देख लिया आइस गोलम का गेम प्ले कैसा था, कैसे वर्क कर रहा है और ट्रूप्स के सामने एंड हीरोज के सामने। मेरे को तो कहीं ज़्यादा खास नहीं लगा इस गोलम, मेरे को सिंपल वाला गोलम अपना वो ज़्यादा सही लग रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि यार इस गोलम के हिट पॉइंट थोड़े कम है। बट इसकी एक ही चीज़ अच्छी लग रही है, जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो आसपास की बिल्डिंग्स को 6 सेकंड के लिए फ्रीज कर दे रहा है। ये चीज़ यार इसकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि यार 6 सेकंड बहुत होते हैं एंड इतने में डिफेंसिस एंड ट्रूप्स बहुत कुछ कर सकते हैं 6 सेकंड में अगर वो चीज़ फ्रीज होती है। सो गाइस ये आज के लिए वीडियो गाइस, एंड गाइस आप बताना जरूर कि आपको आइस गोलम अच्छा लग रहा है या सिंपल वाला गोलम। सो ये आज के लिए वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मन की सवाल कमेंट पूछ लेना गाइस। अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। एंड गाइस आज के लिए वीडियो का लाइक एम रखा है 20 लाइक्स के लिए, सो इसको जरूर से कंप्लीट करवा देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the